काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने आजी एल कंपनी के शराब टैंकर से 3 लोगों को अवैध रूप से शराब निकालते देख लिया और गिरफ्तार किया है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपी शराब की चोरी करते हैं, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी और टैंकर का ड्राइवर भी शामिल है। इसके साथ ही आरोपी हेमराज शराब की सप्लाई का काम किया करता है। उन्होंने कहा कि रात्रि गश्त की कार्रवाई में 3 आरोपियों को गैलन शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनका एक अन्य साथी बंटी फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार शराब के गैलन और टैंकर को जब्त कर लिया है और तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। पहले ये एक घटना हुई है जिसमें ये कुंडा थाना में ये रात्रि अधिकारी के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक पेट्रोल पंप पे एक जो IGL कंपनी से निकला हुआ एक टैंकर है जो कि नेचुरल अल्कोहल को सप्लाई करता है हरिद्वार में, उस टैंकर में से कुछ लोग अवैध रूप से जो अल्कोहल है उसको उसका बोल्ट खोल के उसको निकाल रहे थे और अलग गैलन में भर रहे थे। तो ये जब रात्रि अधिकारी ने देखा तो तत्काल ये मौके पर पहुंचे और इन्होंने जैसे ही उनको पकड़ने की वो करी तो उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति फरार हो गया जो जिसका नाम बंटी है। बाकी उसमें से 3 व्यक्ति जो स्वयं उस टैंकर का एक ड्राइवर है, दूसरा उसमें एक जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर काम करने वाला सेल्समैन है, और तीसरा इनमें जो मुख्य रूप से ये अपराध को कारित करते हैं वह व्यक्ति है जो कि हेमराज है। इन तीनों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। लगभग 25,000 लीटर की कैपेसिटी वाले अल्कोहल से अल्कोहल को कैरी करने वाले टैंकर से इन लोगों ने ये लगभग एक प्रकार से चोरी का कार्य किया है, और ये 6 अलग अलग गैलन में लगभग 500 लीटर इन्होंने एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल जो है उसको इन्होंने ट्रांसफ़र करके और फिर इसको अलग से इनके बेचने की योजना थी। तो इस प्रकार इसमें हमने इस माल को भी टैंकर को और वो पूरे अल्कोहल को भी बरामद किया है, और साथ में 3 अभियुक्तों की इसमें मौके पे अरेस्टिंग हुई है और एक अभियुक्त अभी इसमें से फरार चल रहा है।